जिसका दूसरा नाम आपने दिया था एल्किन हैलाइड। एल्किन हैलाइड के अंदर आपने जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि ये कितने टाइप के होते हैं, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, कितने टाइप के होते हैं इस पर भी बात कर ली। उसके बाद स्टूडेंट बात जो है वो आती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। जिसका नाम क्या है? नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर के अंदर कोई भी चीज जो है उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों जरूरी होते हैं, दोनों जरूरी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन। देखिए स्टूडेंट आपने सबसे इसकी कॉमन पहली बात क्या की, आपने एल्किल हैलाइड को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया था? आर एक्स से रिप्रेजेंट किया था। स्टूडेंट इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, स्टूडेंट ज्यादातर इनके जो है आईयूपीएसी नाम ही काम आएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपने एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था, एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नोमेनक्लेचर करना है। देखें स्टूडेंट इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा? हेलो एल्किल। क्या होगा? हेलो एल्किल, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एन की वैल्यू एक रखिए, एन की वैल्यू एक रख दीजिए और एक्स की जगह आप टोटली आप क्या लेके चल लो? सीएल लेके चल लो। स्टूडेंट ध्यान दीजिए सी वन H2 1 + 1 Cl, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? C1 और H3 हो गया ये, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर CH3Cl। स्टूडेंट कॉमन नेम के अंदर Alk को हटा दीजिए, Alk को हटा दीजिए और नंबर ऑफ कार्बन लगा दीजिए। Al को हटाओ और नंबर ऑफ कार्बन लगाओ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक है, तो यहां पे नाम आएगा मेथिल हैलाइड। इसका आपने क्या लिया है? सीएल। सीएल को इस टाइप से लिखोगे लास्ट में हाइड आ जाए, तो सीएल को इस टाइप से लिखते हैं तो मेथिल क्लोराइड। अब हेलो की बात करें, ये है आईयूपीएसी नेम बता दूंगा आपको और ये जो है आपके वो क्या है? कॉमन नेम है। हेलो की जगह आपको सीएल लिखना और सीएल को इस टाइप से लिखना है कि लास्ट में ओ आए, तो ये लिखो क्लोरो और एल की जगह क्या लगा दो? नंबर ऑफ कार्बन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। उसके बाद स्टूडेंट एक नेमिंग की और बात कर ले। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा अलग टाइप के नाम के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। कॉमन नेम के अंदर पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन वाली बात लिखनी है, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? ठीक है, चार, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटिल, ठीक है। और आगे क्या रहेगा? क्लोराइड। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए अगर सीधी श्रृंखला, अगर लॉन्गेस्ट चेन और बीच में कहीं पर ब्रेकर है, ये चेन और उसमें कहीं पर बीच में ब्रेकर है, तो स्टूडेंट नाम के आगे एक वर्ड लगेगा जिसका नाम है आइसो, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी का रूल नंबर फर्स्ट क्या है? आईयूपीएसी में रूल फर्स्ट क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बात करनी है। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है आईयूपीएसी में सबसे पहले आपको। आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन लोगे, उसके बाद दूसरी बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या कोई अदर जो ग्रुप है वो पहले कम नंबरिंग में आए, इधर से
स्टार्ट करूं तो सीएल तीन नंबर में आता है, इधर से स्टार्ट करूं तो दो नंबर में आता है, तो नंबरिंग इस टाइप से दी जाएगी। टू पे क्लोरो है तो इसको लिखो टू क्लोरो, ठीक है, चार कार्बन है इसलिए इसको क्या लिखो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? टू क्लोरो ब्यूटेन। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको नॉर्मल क्लेचर जो है वो करने होते हैं। अब थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल जो हार्ड है उस नॉर्मल क्लेचर की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का नॉर्मल क्लेचर आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले बात लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन की। अब ऐसे नामों के आपको आईयूपीएसी नेम ही लिखने हैं, ध्यान दीजिए इसकी क्या लिखने हैं, आईयूपीएसी नेम ही लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट लॉन्गेस्ट चेन ये सीधी आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, इधर से नंबरिंग करो तो ये भी दो पर, इधर से करो तो ये भी दो पर, तो स्टूडेंट नंबरिंग आप इधर से भी दे सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबरिंग की बात आपने कर ली, उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं पहले लिखेंगे किसको। तो स्टूडेंट ये जो काम चलेगा वो सारा अल्फाबेटिक के ऊपर चलेगा। अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मेथिल है इसको तो एम से लिखते हो, ये बीआर है बी से लिखते हो, और ये क्लोरो सी से लिखते हो। स्टूडेंट मैं एक बार इसके जो फर्स्ट वर्ड है वो लिख देता हूँ, इसको सी से लिखते हो, इसको बी से लिखते हो, इसको एम से लिखते हो। तो पहले अल्फाबेटिक में पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिक में पहले कौन आता है, बी आता है, और बी कितने नंबर पे है, तीन पे, तो इसका हो जाएगा थ्री ब्रोमो, फिर सी आता है टू क्लोरो, फाइव मेथिल, छह को क्या बोल देंगे, थ्री ब्रोमो टू क्लोरो फाइव मेथिल हेक्सेन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा ग्रुप आपको मिले तो आईयूपीएसी के रूल नंबर थ्री अल्फाबेटिक जो है उसको आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, एक लास्ट एग्जांपल नॉर्मलाइजर का मोनो हैलाइड के अंदर, इसके बाद हम डाई हैलाइड के बारे में भी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये नेमिंग है, ठीक है, इस नेमिंग के अंदर क्या करना है आपको, इसका कॉमन नेम भी जरूरी है। ध्यान दीजिए जब एक कार्बन के चारों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, टोटल चार होती है, एक कार्बन की वैलेंसी चार है और चारों वैलेंसी पर आपको सेम कार्बन ग्रुप दिखे। फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन को चारों ओर से कौन घेरे हुए हैं, कार्बन, इधर से भी एक 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 कार्बन, चारों ओर से इसको एक ही कार्बन यानी सेम कार्बन जो है वो अगर घेरे हुए रहे तो कॉमन नेम में इसके नाम क्या है, क्या आ जाएगा, नियो, क्या आ जाएगा, नियो। और फिर ये कितने टोटल कार्बन है, पांच, तो ये आ जाएगा नियो पेंटिल, और लास्ट में था सीएल, तो इसका आ जाएगा क्लोराइड। समझ में आया स्टूडेंट, नियो पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है आपको। देखें स्टूडेंट लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ये लॉन्गेस्ट चेन ली आपकी, इधर से क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वन टू थ्री, ठीक है। आईयूपीएसी नेम के अंदर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, तीन कार्बन आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, तीन कार्बन आ रहे हैं, और एक में आ रहा है क्लोरो, दो पे भी मेथिल और दो पे मेथिल, तो इसका नेमिंग किस टाइप से होगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले एम आता है या क्लोरो आता है, पहले क्लोरो आता है, अल्फाबेटिक में ये सी से स्टार्ट होता है और ये एम से स्टार्ट होता है, इसका हो जाएगा वन क्लोरो, वन क्लोरो, फिर दो पे मेथिल और दो पे दूसरा मेथिल, तो आ जाएगा टू टू डाई मेथाइल।
तीन है कार्बन आपके पास होंगे, चेन में फिर इसको बोल दोगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हेलो एल्केन का कंप्लीटली होमोन्यूक्लियर। ठीक है, इस एक हैलाइड की अभी हमने बात कर ली थी, इस एक हैलाइड की हमने बात कर ली थी, अब बात आती है डाई हैलाइड या ट्राई हैलाइड में, तो स्टूडेंट उस चीज को भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसका नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाए, इसमें आपको बहुत ज्यादा हैलाइड मिल चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले लोकेशन चेंज हो गया, ये लोकेशन नंबरिंग इधर से 1 2 3 3 को पहले क्लोरो ब्रोमो ये लिखेंगे, पहले ब्रोमो को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो। अब देखो क्लोरो कितनी जगह, 1 नंबर पे 2 क्लोरो है, 2 नंबर पे 1 क्लोरो, टोटल क्लोरो कितने हो गए 3, 1 1 2 ट्राई क्लोरो, 3 कार्बन को क्या कहते हो प्रोटोन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो स्टूडेंट अब आपको चाहे एक हैलाइड हो, चाहे 2 हैलाइड हो, चाहे 3 हैलाइड हो, आपको इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट इसके अंदर नोमेनक्लेचर में केवल मैंने आपको इतना बताया, अब थोड़ा सा नोमेनक्लेचर जो है कुछ साइक्लोटाइप नेमिंग में भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट साइक्लो ना जो साइक्लोटाइप की नेमिंग है वो आप 11th में भी बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये एग्जांपल दे दे कि इसका नाम क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट होता है, अगर वहीं पे आके एंड हो जाए तो उसके नाम के स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। देखो स्टूडेंट ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया आकर के, तो नाम के आगे क्या आएगा साइक्लो। प्रत्येक कोने एवरी कॉर्नर पे क्या होते हैं कार्बन होते हैं, आपको कितने कार्बन दिखाई देंगे 1 2 3 3 कार्बन को क्या बोलते हो प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो इस टाइप से भी आपको जो है एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर अगर नोमेनक्लेचर आएंगे तो वो किस टाइप से आएंगे, देखिए स्टूडेंट ये हो गया, ये इसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो स्टूडेंट जहां से ये जुड़ा हुआ हैलाइड वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, ठीक है जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे एंड हो रही है अभी हो रही है, तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 है तो इसका क्या आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। 1 पे क्लोरो तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो एक और देख लो अगर है ना एग्जांपल के थ्रू अगर आपको इस टाइप का एग्जांपल मिल जाए तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दो नोमेनक्लेचर जैसे आपको दिखने में सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्टूडेंट ये तो क्या है बेंजीन है और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, इसमें भी 1 पे तो 1 क्लोरो या 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्लोरो बेंजीन। स्टूडेंट इस टाइप से आपको जो है नोमेनक्लेचर करने हैं। तो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहीं पर, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए अपन का जो मेन है वो आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरा टॉपिक करवाने का है, आपको एक वीडियो पूरे एक टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे अगला टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन। तो स्टूडेंट यहां पर अपने नोमेनक्लेचर की बात जो है वो कंप्लीट होती है, इसी के
ठीक है, ये जो पार्ट नंबर 3 है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।